सो हेलो दोस्तों, हनुमान मूवी को देखने के लिए मैं इधर आया हूँ थिएटर के बाहर। और अभी फर्स्ट हाफ है दोस्तों, कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट हाफ का रिएक्शन देखते हैं, इन भाई लोगों से पूछते हैं कि क्या रिएक्शन है और इनको मूवी कैसी लगी है। सो आपका नाम? दिव्यांश। दिव्यांश भाई, कैसी लगी मूवी आपको? ऑसम है भाई, अनप्रेडिक्टेबल है और जो एक्शंस हैं जी मीन्स सुपर। सो फर्स्ट हाफ अभी कंप्लीट हुआ है, राइट? हाँ जी। तो फर्स्ट हाफ में मतलब क्या क्या आपको अच्छा लगा, लाइक कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, दूसरों मूवी से क्या बेटर रही? जो एनिमेशन है ना जी, और जो ट्रांजिशन उन्होंने दिखाई है और जो एक्शन है भाई सबसे हटके है। ओके, तो अभी ये कोई बड़े सुपरस्टार की फिल्म नहीं है, फिर भी लोग इस फिल्म को प्यार दे रहे हैं, मतलब हनुमान फिल्म को इतना प्यार क्यों, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? स्टोरी ऐसी बना दी है ना, और एक तो अपने कनेक्ट कर दिया बेस से हमें जी, कि भाई एक लाइनअप दे दिया है बहुत तगड़ा, जिससे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई देखेंगे मूवी। कहा जा रहा है कि वैसे क्योंकि सुपर हीरो बहुत सारे हुए हैं, पहला सुपर हीरो हमारा शक्तिमान हुआ है, ठीक है, और उसके बाद अभी ये हनुमान, और आगे भी क्योंकि सुपर नेचुरल पावर मिल जाती है इसको, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इंडिया का एक नया सुपर हीरो जन्म ले रहा है, जरूर। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इसका पार्ट टू भी आएगा, जो आने की उम्मीद है? जरूर आएगा भाई। और इसमें फर्स्ट हाफ में क्या क्या आपको लगा, कॉमेडी है, एक्शन है, क्या क्या चीज अच्छी लगी? कॉमेडी तो अल्टीमेट है भाई, पेट दर्द हो गया हंसते हंसते। कॉमेडी अल्टीमेट है, और क्या बेस्ट लगा? और इसकी जो स्टोरी लाइन अब ये क्रिएट कर रहे हैं ना एक बेस, और मेरे को लगता है कि हाँ पार्ट टू और थ्री भी आएगा। ओके ओके, तो आइए हमारे साथ दोस्तों कुछ और भी लोग हैं, वो भी जुड़ चुके हैं थिएटर के, मैं क्या बोलते हैं बाहर ही खड़ा हूँ, तो आप देख सकते हो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज। अनुज जी, अनुज जी कैसे लगी मूवी आपको? भाई मूवी है अल्टीमेट, जो बंदे आ नहीं रहे ना देखने के समय बहुत कुछ मिस कर रहे हो तुम, मजाक नहीं कर रहा मैं। okay. जो तुमने मार्वल्स की मूवी देख रहे हो, डीसी की मूवी देख रहे हो, जी जी, एक बार यहाँ के ट्राई करो, तुम्हें पता चलेगा अल्टीमेट पावर क्या होती है। फर्स्ट हाफ कम्प्लीट हुआ अभी, अभी हम मैं सेकेंड हाफ भी देखूंगा, तो फर्स्ट हाफ में क्या क्या चीज अच्छी लगी, एक घंटे में क्या क्या अच्छा लगा आपको? एक घंटे में जो स्टोरी लाइनअप चल रहा है ना इसका भी, जो स्टार्ट हो रही है स्टोरी, मतलब किस बेसिस पे चल रही है, अभी तो इसकी एंट्री हुई है, जो मेन विलेन है उसकी एंट्री हुई है, और अभी ऐसा लग रहा है कि मूवी के अंदर पता नहीं क्या ही कुछ दिखा दिया अभी तक। ओके ओके, तो एक भाई और उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? रोहित। रोहित जी कैसे लगी मूवी आपको? फर्स्ट हाफ कैसा लगा? अल्टीमेट। क्या क्या अच्छा लगा, मतलब दूसरों मूवी बड़े बड़े जो सुपरस्टार है, सलमान खान, शाहरुख खान, मतलब उनकी फिल्मों में और इस फिल्म में क्या अंतर भाई? है? उनकी मूवी एक अलग है, ये तो अपने बजरंग बली की मूवी है, ये तो देखना बनता ही है। हाँ, ये तो बिल्कुल गूज बम्प निकाल दिया अंदर से बिल्कुल ही। क्या क्या अच्छा लगा फर्स्ट हाफ के अंदर, मतलब? फर्स्ट हाफ के अंदर अच्छी मूवी थी। बजरंग बली की रेटिंग दोगे आप? 5 में से 10। 10 की रेटिंग? हाँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी फर्स्ट हाफ ही कंप्लीट हुआ है, सेकंड हाफ को देखने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पीछे पोस्टर है, पीछे हनुमान जी का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा रश है। फिल्म अभी सेकंड हाफ जो है मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, स्टार्ट हो चुकी है। सो उसका भी रिव्यू करूँगा, अभी मैं कुछ भाई लोगों से रिएक्शन लेकर आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं, लगभग लोगों को कॉमेडी पसंद आ रही है, लोगों को एक नया हीरो मिल चुका है, सुपर नेचुरल हीरो हनुमान जी के रूप में, हनुमान जी की शक्तियों का यूज सही तरीके से। और दोस्तों आपको बता दूं कि जहां पाप होता है वहां पर भगवान स्वयं कहीं ना कहीं किसी रूप में आकर लोगों की मदद करते हैं, और यही इस फिल्म का एक मेन क्या बोलते हैं आपको क्रक्स है, कंक्लूजन है। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूं और फटाफट आपको सेकंड पार्ट का भी रिएक्शन इन्हीं लोगों के द्वारा दूंगा दोस्तों। और आपको बता दूं कि फर्स्ट हाफ में मेरा तो ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं कि मैं 5 में से 10 दूंगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर VFX हो, एक्शन हो, आदि पुरुष से लाख गुना बेटर है फिल्म दोस्तों। मैं अपना रिएक्शन दे चुका हूँ, मिलते हैं सेकंड हाफ में दोस्तों, और बाकी इन लोगों के रिएक्शन जानेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, इस तरह प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।